ना हम किसी को सपोर्ट करेंगे, पर फुकरा के लिए तेरे से कह फालतू रहा हूँ कर नेगेटिव दे, चीजें क्यों, तेरे से कह रहा हूँ, फालतू तेरे नेगेटिव से चीजें कहा फुकरा के लिए मत क्यों दे, करते हो। मत दे, मत कर। तेरे को कोई इनवाइट किया अरे गया भाई तू सपोर्ट कर, हमको तेरे हमको को कोई किया दिक्कत नहीं गया। है, हम आप भले किसको सपोर्ट करना करो, पर फुकरा के खिलाफ हाँ नेगेटिव चीजें फैलाकर फिर उसके बाद कौन सी उसके फैला दी, किसकी भैया फैला दी, हो तुम लोग, इतना गरीब होना किसी काम भाई नहीं होता है भाई। उसके सपोर्टरों को फिर ये मत बोलो कि तुम क्या करो, उनका मन है जो करने दो, पर लेकिन आप फिर यहाँ वो कर दो, उसके सपोर्टरों को ऐसे क्या मत नाम है बोलो फिर। तेरा, तेरा नाम क्या है, एक सेकंड, तेरा भाई नाम मेरा बता। नाम कुछ भी हो लेकिन आप तू फुकरा नाम के, नहीं बता रहा है अरे ना, भाई तू नाम बताने नाम के नहीं कारण बताएगा, मतलब नहीं है, अरे ठीक भाई है नाम गाली नहीं बता गाली रहा। गाली से बात मत कर भाई, मैं खुद हिंदू हूँ मुझे पता है गाली, भाई मैं अच्छा समझता हूँ हिंदू है, गाली से बात करने से हिंदू कुछ है नहीं होगा, तू, गाली मेरे को देना आती है, हिंदू है मैं तू। यहाँ पे अभिषेक भाई अगेंस्ट मैंने मुझे भी कुछ गाली बोला देना आती है भाई, आप गाली फुकरा, कितनी अबे दो चुप बे, भाई, गाली मैंने गलौज तो बोला हुई है अभी तक अभिषेक भैया। मुगला कुछ बोला, अभिषेक के एक अगेंस्ट कुछ सेकंड, बोला, अरे वही कुछ बोलने से वही मतलब नहीं, मैंने पागल है सब क्या, कुछ साइको देखा है है, क्या, अबे और 15 साल साथ के देखा चूतिए, भाई, साइको है क्या मैंने बे। पूरा बिग बॉस फॉलो हिंदू किया से है, प्यार मत करो, मैंने पूरा बीजेपी बिग बॉस फॉलो प्यार, किया हैं है, हो तुम लोगों को, ये एलविस के फैंस और ये फुकरा के हाँ फैंस हो मुझे तो तुम कुछ, लोग को अरे भाई ये गाली एक से ही बात मत करना जब चार बोल वर्ड देगा आते तेरे हैं क्या, को, निगेटिव प्यार, निगेटिव प्यार, निगेटिव प्यार। बहन मेरे हाँ पास तेरे कुछ और को हो रहा है, मना मुझे कर सिर्फ रखा है प्यार, तेरे को गाली मेरे से बात पापा मत के कर, अगेंस्ट निगेटिव प्यार एक मत करो, सेकंड रैंडम, मेरे एक पापा के सेकंड, अगेंस्ट निगेटिव प्यार मत करो, नेगेटिव प्यार बात हो रखे, रहा है। हाँ नेगेटिव फुकरा प्यार फांसो रखे, तुम बोल रहे हो कुछ और, रैंडम ये रैंडम साले। एक हाँ सेकंड, चूतिए तू हिंदू है, चार अरे सेकंड भाई मरे मेरे हैं, को खुद मैं तो भी पढ़ रहा है, किसी तू को, मैं हिंदू सिर्फ फुकरा को सपोर्ट करने के लिए आया था, वो करूंगा मैं लास्ट तक करूंगा, है, पागला चौदह, पर ये अबे मत फिर बोलना कि बात हो रहा है अरे कुछ मैं और, किसी को फुकरा को भाई सपोर्ट मैंने बिग करो। बॉस देखूंगा ही नहीं भाई, मैं नहीं देख रहा, मैं सिर्फ फुकरा के लिए देखता मत हूँ देख भाई, टीवी फोड़ ले, सर्वे मार ले, हमारे अरे घर मत पे देख आ ना, भाई, मत फिर देख, फुकरा मत खिलाफ देख बोला मत करो, उसको, फिर कुछ भी गलत सलत बोलेंगे आपको, क्या बोला फुकरा के भाई खिलाफ, बिग बॉस फॉलो किया जा कर मैंने, ले, हाँ जा कर ले भाई, जो बनते फिर ऐसा क्या किया मैं मैंने तेरे सब, को फुकरा जो खिला बुलाया है कर ले जा जा कर ले जा, जो अरे तेरे को बट करवा यहाँ पे करो भाई, अभिषेक मेरे को भी मलान के करवा करो, अगेंस्ट चला कुछ करो फुकरे बोला क्या सामने, गया, बोल ही अबे क्या रहा चुप तू, रह मैं भाई बोल रहा तू, हूँ तो कुछ इसको हो हटाओ, नहीं रहा उसके खिलाफ, एक चीज बताओ यहाँ पे अभिषेक मलान के खिलाफ बोला कहाँ कुछ गया है, पागल है क्या ऐसे हाँ बहन अरे चोद ये भाई मैं चूतिए आप क्यों फैंस। बोल रहा हूँ, तुमने पहले उसके खिलाफ गलत क्यों बोला, मेरे को बस दुख इस बात का, मेरे को मैं तुम अबे मैं क्या गलत हिंदू बोला ही नहीं, अभिषेक, भाई बैठे हुए पहले यहाँ पे मेरा तू मन था फालतू तो अपना मैंने ज्ञान क्यों दे बोला, रहा है। पहले बोला तो क्योंकि मन था इसलिए बोल दिया, हाँ तो फिर बोल ज्ञान दिया, मत दो ना किसी को, मैं ये बोल रहा हूँ, नहीं ज्ञान तो दी अरे नहीं, अरे जो भाई ज्ञान होगा अरे वो भाई स्पेस में ग्रैंड, बताओ, अरे ज्ञान मेरे तो हिसाब नहीं है, से, बाप अरे की स्पेस में ज्ञान बता, अपने जो अपना तेरा करो, बाप फिर का अपने हिसाब स्पेस से है, रहा करो, बाप के से, बाप के स्पेस से निकल, अरे दूर भाई अरे अरे तुम नम हिंदू हरी हिंदू छोड़े, बाप बाप के के स्पेस से अरे निकल, अरे ये तेरे किसी बाप के का स्पेस है, अरे अभिषेक मलान का स्पेस नहीं, अपने बाप के तुम्हारी स्पेस स्पेस से तो हम निकल, क्या करें, पर अब याद रखना, लास्ट में ये तेरे फुकरा का बाप का सपोर्ट स्पेस लेने है, के लिए आ जाए तो ये तेरे जय हिंद नाजायज जय बाप बोल का के स्पेस ज्ञान नहीं है, निकल तेरे जाएगा, असली बाप का स्पेस है, समझा चूती है। निगेटिव अरे प्यार मत नवाब करो, निगेटिव प्यार के मत करो, यहाँ पे कौन सा निगेटिव प्यार हुआ बे चूतिए, कौन सा अभिषेक नहीं मलान, अभिजीत भाई हमने अभिषेक मलान के अगेंस्ट कुछ बोला क्या, भाई आप आप ही हमसे बताओ, कुछ पूछने के लिए बुलाए हम उसी के लिए कुछ यहाँ के, और और बात कुछ हो रहा नहीं है भाई बोले, यहाँ पे, अरे भाई अभिषेक चूतिया मलान के हंस खिलाफ रहा मेरे है कहाँ वो कुछ कार बोलो। सेवक वाली बात पे, भाई वो जब से हंसे जा रहा है मैं तब से देख रहा हूँ, और फिर कह रहा है कि मैं राजा अरे हूँ, सम्राट राजा हूँ भाई भाई, वो दुख अपना नाम ही नहीं दुख बता तब रहा था, होता वो है, हिंदू दुख कहाँ से तब होता होगा। है जब ऐसे हिंदूज हंसते हैं, अभी एक आसिफ भाई है यहाँ पे वो हंस रहे हैं, तो भाई नहीं बुरा लगा क्योंकि वो है उनके उस चीज में, खून में है भाई, लेकिन ये भड़वे लोग, ये हिंदू, ये हंसते हैं तो बुरा लगता है। अब आप अभिजीत भाई, आप तो समझदार हो, हम पढ़े क्या लिखे बोलेंगे हो, भाई बताओ, आप बताओ यहाँ पे अभिषेक मलान के अगेंस्ट कुछ भी नहीं बोला भाई गया, नहीं कोई कुछ नहीं निगेटिव बोला। क्या, गजब अच्छा भाई मेरा ना तुम। यहाँ पे सवाल था कि कोई खानजादी को दो सपोर्ट मिनट कर रुक रहे हैं जाओ कुछ, मिलन भाई, मैं सम्राट भाई मेरे को थोड़ा काम है, मैं निकलता हूँ ठीक है। ठीक है हाँ ठीक है, सम्राट भाई एक सम्राट चीज भाई बताऊँ, क्या है, आपके स्पेस में इसलिए नहीं आ पाता कि थोड़ा सा क्या रहता है, मैं थोड़ा काम में अपने ही चीजों में व्यस्त हूँ, कोई कोई इशू कभी नहीं भाई, फोन। देखो यार देखो बिग बॉस खत्म हो गया, हमें तुमसे अरे कोई नहीं बुराई नहीं भाई है, देखो उस, नहीं देखो नहीं मैं, मेरे, तुम तो कुछ नहीं गाली खाए हाँ भाई, मैं तो अपने वालों से ही खाया हूँ, ये शेफ बिल्ली पता नहीं कितने बार गाली दे देगा अरे कोई नहीं खाएगी से, सम्राट तो भाई आपको सब, एक सेकेंड छोड़ो, और ये जो अभी हम देख रहे हैं, अभी मेरा जहां जरक गया हाँ और ये जो अभी एल्विश आर्मी सब में चल रहा है, हाँ मुसड़ी वालों शर्म नहीं आते रे चूतिया हाँ तुम लोग को, जब जब हम लोग को जरूरत था तो सामने वाला सपोर्ट किया, अभी भोसड़ी का तुम हाँ लोग का भांग भोसड़ा चल रहा है, ये फैंडम से ये से काम हाँ मरवा लेते हैं, वो फैंडम ये करते हैं, वो शर्म नहीं आती है भाई तुम लोग को। हाँ जब सामने वाले को जरूरत है, उधर मुनव्वर वालों को, उनका पूरा कौम एक साथ है, सारे कौम वाले एक साथ आ गए सब कुछ, तुम लोग हाँ फैंचो अपनी गांड मरवा रहे हो, शर्म नहीं आती है तुम लोग को गद्दार साले। मेरे अंदर खुददारी थी इसलिए एलविश के लिए पूरा पूरा पेट झोंक दिया था। अच्छा एक एक चीज और ऐड कर देता हूँ रैंडम भाई, एलविश के में जो ज्ञान दे रहे थे ना अभी,
कि यार वो एलविश को क्यों सपोर्ट किया था यूके ने, तो मैं यूके की कहानी बता देता हूँ। यूके राइडर जब 3 लाख सब्सक्राइबर पे था ना, तब उसकी उससे लड़ाई हुई थी कश्मीरी आदमी से, ठीक है, और उस वक्त पे एलविश उसे जानता भी नहीं था। मेरे मुझे लक्ष्य ने बोला, मैंने एलविश को बोला, एलविश ने जाके कमेंट किया, इनफैक्ट वीडियो भी बनाई सपोर्ट में, ठीक है, किसके, यूके राइडर के। दैट द रीजन यूके ने उसको वन साइडेड सपोर्ट किया। ये बहुत याद रखना, बहुत उस समय की बात है जब वो बहुत ज्यादा डिप्रेशन में था और इतने डिप्रेशन में सुसाइड कर लेता, ये भी बता देता हूँ, ठीक है। उसी टाइम उसको बंदी भी छोड़ के गई, उसी टाइम क्या कहते हैं ये चूतिया हुआ कि तुझे कश्मीर नहीं आन देंगे, तुझे बंगाल नहीं आन देंगे, ये रिकॉर्डिंग वायरल हुई थी, उस वक्त पे एलविश ने सपोर्ट किया, इसलिए उसने वन साइडेड सपोर्ट किया एलविश की बात। नहीं, उस टाइम पे यस मुझे पता है, मेरे को भी यूके भाई कॉल किए थे, वो भाई लिटरली रो रहे थे कॉल पे, इतना तो मुझे पता है, ठीक है। अब ये ऐसे चूतिया क्या करते हैं यार, वो आ गया, वो ज्ञान देने लगा, भाई तुमने वो पिया, अरे यार यही काम है क्या मुसड़ी के सुबह भाई, बता है मैं, हम क्यों थोड़े अग्रेसिव हैं, क्योंकि भाई हम मतलब नफरत करते हैं उस बुल्ले से जिसने मेरे भगवान को का मजाक उड़ाया, भाई सीधी बात है, नफरत है भाई हम मुझे, तो मैं उस नफरत के लिए मैं मतलब इसीलिए मैं थोड़ा अग्रेसिव हूँ कि उस जिहादी को हम नहीं देखना चाहते भाई जीतते हुए लॉकअप में, हमको पता ही नहीं था लॉकअप वॉकअप क्या होता है, और वो जीत गया भैंस, अब वो फिर से लाइमलाइट ले जाएगा, फिर से उसके लिए ऑर्गेज्म आएंगे, फिर से लव जिहाद होंगे वो भैंस, और ऐसे उनके जितने भी फैंस है वही लव जिहाद करेंगे भाई, इसलिए हम अग्रेसिव हैं, इसलिए हम चाह रहे हैं। और भाई ये एल्विश फैंस में इसलिए हमको गुस्सा आया, भाई जब तुम्हारी जरूरत सामने वाले को है तब तुम लोग अपने में घर मरा रहे हो, क्या बकचोदिया भाई, शर्म नहीं आती है तुम्हें? जब तुम्हारा क्रिएटर सपोर्ट कर दिया सामने वाले को, कुछ चीजें होती है समझ में नहीं आती है भाई। एल्विश ने मुनव्वर को फॉलो बैक से हटाया, तो नहीं समझते हो डॉट कनेक्ट करना नहीं आता है भाई, नहीं आता है कनेक्ट करना डॉट, हाँ नहीं आता है भाई, इसीलिए हम बोल रहे हैं हम एंटी मुनव्वर है, क्लियरली एंटी मुनव्वर है भाई, दंके की चोट पे एंटी मुनव्वर है, क्योंकि उसने हिंदू गॉड्स को का मजाक उड़ाया, उसने मरे हुए हिंदू कार सेवक को का मजाक उड़ाया जिनको जिंदा जला दिया गया है भाई। अगर हिंदू का खून होगा ना तुम्हारा अगर तुम्हारे पिताजी अगर हिंदू होंगे भाई तो तुम्हारे में खून होगा, तो समझो इस चीज को, इसलिए भाई नफरत है मुझे, सीधी बात नफरत है, दैट्स इट। अगर आपको लगता है आपको ये चीज समझ में आती है तो प्लीज यूनाइट होइए एटलीस्ट, अभी उनके कॉम वाले यूनाइट हो रहे हैं, साहिल खान अब यहाँ पे सम्राट का दोस्त है, फिर सम्राट बोलेगा कि भाई ये सब बात मत करो, इसमें सम्राट का कोई लेना देना नहीं है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, अब मैं बोलता हूँ, साहिल खान ने भी महादेव के उसका गाना का मजाक उड़ाया था, महादेव का गाना सॉन्ग चल रहा था और उसमें वो नचनिया को नचवा रहा था, तो इन सब का यही स्टोरी है ये कौम वालों का। और तुम साले अभी देखिए हम का क्या बात कर रहे थे, हम लोग बोलता है कि निगेटिव बियर मत करो अभिषेक पलान के अगेंस्ट, मैं तो बात कुछ और चल रहा है, कार सेवक के मरने पर हंस रहा है, बताओ ऐसे ये है हिंदूज का प्रायोरिटी, और उनका क्या प्रायोरिटी है, उनके कौम का बंदा है चाहे वो पैलेस्टीन का हो, चाहे वो मुंबई का हो, चाहे वो कहीं का हो, वो सपोर्ट करेंगे। साहिल खान भी वैसा ही एंटी हिंदू आया, मजाक उड़ाया, ये वो दिस डैट, और ये भी ये तो है ही, तो भाई इसीलिए भाई अब मुझ पे ये भी आरोप लगेगा कि हाँ हम पीआर कर रहे हैं, जैसे एल्विश वाले में लगा 25 लाख रुपया ले लिए तो 5 करोड़ रुपया ले लिए तो 50 करोड़ रुपया ले लिए, भाई हैं हम एंटी हिंदू एंटी मुनव्वर हैं क्लियरली, आई रैंडम सेना इज क्लियर एंटी मुनव्वर, सीधी बात है। अब आपको चीजें समझ में आती है अच्छी बात है, नहीं समझ में आती है तो हम क्या ही बोल सकते हैं भाई, बस आप लोग कंटिन्यू करो, इसको रहने देते, मैंने वीडियो देखा, बताओ अरे न्यूज़ बॉय एक मिनट मैं यहाँ क्लियर करना चाहता हूँ, एल्विश आर्मी की बात है तो एल्विश आर्मी को इनडायरेक्टली मुनव्वर को या तो किसी और को मतलब यूके राइडर को नीचे गिराने के लिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि 2-3 अकाउंट ऐसे है, मैं आपको सम्राट भाई भेज दूंगा, वो लोग क्या करते है पता है के भाई इतना मैन्युपुलेट किया लोगों को, इतना नेगेटिव चीज बोला, वो पंडित को, पंडित इतना सपोर्ट कर रहा था, पंडित को डीएक्टिव करके जाना पड़ा भाई, पंडित को इतना परेशान किया इन लोगों ने कि क्योंकि मैं तो ओपनली सपोर्ट करता हूं यूके को, तो एल्विश आर्मी में ऐसे लोग को मैन्युपुलेट किया, लोगों को ऐसे घुमा के रखा, 2-3 ID ऐसी है कि भाई लिटरली पंडित को आज डीएक्टिव करना पड़ा, इतना बड़ा अकाउंट और ट्वीट डिलीट करना के लिए इतना फोर्स किया गया और उसको डीएक्टिव करवाना पड़ा आज, तो भाई अभी तो समय है जाग जाओ, जो हिंदू होगा जो सपोर्ट कर रहा होगा उसके मन में तो ये चीज आनी चाहिए,
बाकी आपका कॉल है भाई, क्या करना है क्या नहीं आपको अच्छे से पता है, कहाँ खड़ा रहना है कहाँ नहीं खड़ा रहना है आपका कॉल है। तो ये चीज तो जान जाओ, कहाँ कौन मैन्युपुलेट कर रहा है, कहाँ कौन ले जा रहा है, वो चीज देखो समझो सुनो भाई। एक टाइम था भाई ने पूरा, मतलब एल्विस भाई ने भी अभी तो सपोर्ट कर दिया, एल्विस भाई के अपना हार्ट निकाल के दे दे अभी। तो ये चीज समझो कहाँ सपोर्ट करना है कहाँ नहीं करना है। वो यार पंडित को पूरा अकाउंट डीएक्टिव करना पड़ा, दो तीन अकाउंट को छोड़कर है ना सारी एल्विस आर्मी सपोर्ट कर रही है, रैंडम भाई अभिषेक भाई, और जो भी होता हम लोग से जितना कर सकते हैं हम लोग उतना कर पा रहे हैं। अब हर चीज़ तो हम लोग जितना हो सकता है हम लोग करते हैं, मतलब जितने भी कमेंटिंग वगैरह हो सकता है हम लोग एल्विस आर्मी